सीटेट में काफी लोगों का हाथ तंग है, अगर आप उसमें से एक हैं तो इस सीरीज को फॉलो करे रखना, टेट एग्जाम के अंदर आपकी नैया पार हो जाएगी। पहली बात तो आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते नहीं हो और आप सोचते हो घर बैठकर ही सेल्फ स्टडी से मैं एग्जाम को क्लियर कर लूं। बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, ठीक सोच रहे हो, लेकिन आपको वीडियोस तो देखनी पड़ेंगी ना। तो ये जो सीरीज है पेपर में इन चीजों से बाहर नहीं आता है, टीचिंग से रिलेटेड सीटेट में अब नहीं तो कब, कब करोगे तैयारी आप? टाइम आ चुका है, एनसीईआरटी बेस्ड हमारी तैयारी होती है। और आज की भी इस वीडियो में 10 क्वेश्चन लाऊंगा मैं जो आपकी इंग्लिश की ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक एक चीज को आपको समझना है और हमें हौसला देने के लिए वीडियोज को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी। हमारी बैक टू स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी है, आपने इंस्टॉल नहीं की है तो कर लो, 10,000 स्टूडेंट कर चुके हैं, आप पीछे कैसे रह गए हैं, जल्दी से कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, सीटेट का एग्जाम 101% क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में पहले क्वेश्चन से हम चलो शुरुआत करते हैं, अमेजिंग क्वेश्चन होंगे। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस को। सेंटेंस है सीमा इज टेकिंग ए फोटोग्राफ, सीमा एक फोटोग्राफ ले रही है। अब ये सेंटेंस किस में है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, कोई काम अभी चल रहा है। सीमा इज टेकिंग ए फोटोग्राफ, जब कोई काम चल रहा हो तो उसका टेंस कौन सा होगा जो इसमें है अभी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। अब इसका जब हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा, जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, टू कन्वर्ट इट इन पैसिव वॉइस वी रिक्वायर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ टू बी, यानी किसी काम के किए जाने की, यानी टू बी की हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म लिखेंगे। और वो क्या होगी बताइए, यहां पर जो आंसर आपका आएगा वो हो जाएगा यहां पर इज बींग टेकन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, द फोटोग्राफ इज बींग टेकन बाई सीमा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी को आप चूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ही सीम्स टू हैव बीन ए गुड बॉय, ये किस तरीके का सेंटेंस है? पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स सिंपल कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कि किस तरीके का सेंटेंस है, ये काफी बार एग्जाम में आया है। देखिए जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक सिंगल क्लोज होता है, याद रखना ये एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सेंटेंस की पहचान होगी कि इसके अंदर आपका सिंगल क्लोज आपको देखने को मिलेगा, या फिर कहें ए सिंगल वर्ब, एक सिंगल वर्ब ही आपको इसमें देखने को मिलेगी। और ये खासियत इसकी ये होगी, ये भी होगी कि इट कैन नॉट टेक अनदर क्लोज, ये दूसरा क्लोज नहीं ले सकता है। तो यहां पर आपने देखा कि एक ही क्लोज है, ठीक है, एक ही लड़का है यहां पर और ओनली एक ही वर्ब है यहां पर सीम्स, एक ही वर्ब है यहां पर सीम्स। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? ये सिंपल सेंटेंस हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन, चूज द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसके अंदर से आपको मैस्कुलिन जेंडर पहचानना है, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी इंग्लिश ग्रामर में भी इंपॉर्टेंट है, तो फेमिनिन और मैस्कुलिन का आपको पता होना चाहिए। तो बताइए इसके अंदर मैस्कुलिन कौन सा है? देखिए नीस जो है दोस्त वो फेमिनिन है और इसका मैस्कुलिन क्या हो जाएगा? नेफ्यू। विच, विच का मतलब होता है जादूगर, जादूगरनी। विच का मैस्कुलिन हो जाएगा विजर्ड। फॉक्स, फॉक्स आपका जो है यहां पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फॉक्स होता है वो क्या है, वो पुल्लिंग है। तो फॉक्स की स्त्रीलिंग क्या होगी? फॉक्स की जो स्त्रीलिंग होती है वो होती है विक्सन। ये ऊपर वाले आपने देखा नीस विच, ये दोनों आपके फेमिनिन है और ये डचेस भी फेमिनिन है और इसका पुल्लिंग क्या होगा? डक। तो आपको पुल्लिंग बताना था, तो पुल्लिंग इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है और बाकी की तीन जो फेमिनिन है उनके पुल्लिंग वर्ड भी मैंने आपको बता दिए। तो वीडियो को लाइक करो और इंग्लिश में आप कमजोर हैं तो इन वीडियोस को देखते रहो, टाइम भी कम लूंगा आपका। और पहला ऐसा चैनल देख रहा होगा जहां पर एक ही बंदा, एक ही टीचर आपको हर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो अप्रिशिएट इट। सिर्फ हर सब्जेक्ट की पेडागोजी नहीं, आपने देखा होगा कि एक टीचर एक ही टॉपिक को पढ़ाता है, लेकिन मैं सीटेट के हर पेडागोजी भी पढ़ाता हूँ, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में, तो आपके भाई से
पंगा लेना मुश्किल है YouTube पर, उसके अलावा कंटेंट भी आपको करा रहा हूं, तो यू हैव टू अप्रिशिएट इट। चूज द स्पीच ऑफ द सेंटेंस, आपको स्पीच बताना है कि यह कैसा है, ठीक है। चलिए, दे सेड दैट मोहित वाज लीविंग द कंट्री फॉर एवर। उन्होंने कहा कि मोहित देश को हमेशा के लिए छोड़ रहा है। अब देखिए, यह बात अगर मोहित कहता तो डायरेक्टली कहता, लेकिन उन्होंने कहा, यानी कि किसी और ने कहा मोहित के बिहाफ पर कि मोहित देश छोड़ रहा है, तो डायरेक्ट यहां पर पता चल जाता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है ये। अगर इसका स्पीच देखे तो ये कैसे स्पीच में हुआ, इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट में कब होता, डायरेक्ट में तब होता जब मोहित खुद ये बात बोलता, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हुई ये बात। अगर मैं यहां पर ये बात करूं, दे सेड चेंज द स्पीच ऑफ द सेंटेंस, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि यहां पर चेंज द स्पीच कहा था, तो पहले किस तरीके का यहां पर स्पीच है वो तो पता करें हम, उसके बाद ही तो हम इसको चेंज करेंगे, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट स्पीच में हम करेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि दे सेड मोहित इज लीविंग द कंट्री फॉर एवर वाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये बात याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस शुड चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चीज आपको याद रखना है कि ये जो सेंटेंस आपको दे रखा है इसको जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलोगे, ये तो बता दिया कि इसका हमें स्पीच चेंज करना है और ये इनडायरेक्ट में है, लेकिन जब आप इसे डायरेक्ट में बदलोगे तो एक बात को स्टार बनाकर लिख लो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप किस में करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करोगे, चेंज करोगे, और जब पास्ट में दे रखा हो तो उसको प्रेजेंट में करोगे। तो यहां पर जो वाज लिविंग था उसकी जगह क्या हो जाएगा, दे सेड मोहित इज लिविंग द कंट्री फॉर एवर, समझ में आई बात। और जो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस जो फॉर्म बनेगा उसमें कैसे बनेगा, ये वो बना है आपका सब्जेक्ट प्लस वाज या वर जो ऊपर वाला था, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसको हमने चेंज किया और आंसर आ गया आपका सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेंटेंस हैज गिवन विद ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। कीर्ति हैड डैश हर रिस्ट वॉच, बताइए यहां पर क्या आएगा। देखिए, अगर सेंटेंस अगर आप इसको देखें तो इसका टेंस कौन सा है, बताइए। देखिए, ये पास्ट परफेक्ट फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में। और जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो क्या दिखाता है, यानी कि द पास्ट परफेक्ट टेंस शोज दैट द एक्शन हैपन्ड इन द नियर पास्ट एज वेल एज इन द डिस्टेंट पास्ट। जैसे कि यहां पर आपने देखा कि कोई काम हुआ है या तो थोड़ी देर पहले हुआ है या पास्ट में हुआ है। यहां पर अगर आप देखें कि पास्ट परफेक्ट फॉर्म जब आप देखेंगे तो ये बनती कैसे है, तो अगर इसको और फॉर्मली देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, याद रखना वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बनता है ये। तो यहां पर क्या आएगा, कीर्ति हेड फाउंड हर रिस्ट वॉच, तो यहां पर कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पर मिसिंग थी आपकी वर्ब। जैसे कि पास्ट परफेक्ट फॉर्म था तो पता था सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगी, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, फाउंड। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेंटस्पिल्स इज द डैश टाउन इन लटीविया आई हैव बीन टू। इसके फुल फॉर्म, इसके जो है फुल फॉर्म क्या होगी जो इसके अंदर आएगी ब्लैंक के अंदर, वो आपको चूज करना है। देखिए, इसके अंदर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। अगर आप देखेंगे कि यहां पर ब्लैंक से पहले क्या आया हुआ है, द आया हुआ है, तो दा कब आता है, जब होती है आपकी
सुपरलेटिव डिग्री, ये आपको याद रखना है। जब हमको कंपेयर करना पड़ता है दो चीजों के बारे में, दो पर्सन को, तो कई एडजेक्टिव होते हैं और वो कई रूल के बाद आते हैं। जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिक इंग्लिश में बात करूं, व्हेन वी हैव टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन, देर आर सम एडजेक्टिव्स दैट डोंट फॉलो एनी रूल, जो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते वाइल फॉर्मिंग देयर एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहां पर द आया हुआ है तो यहां पर क्या आएगा, फारदेस्ट, सबसे दूर, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर आएगा, सुपरलेटिव डिग्री का आप यूज करेंगे। कुड यू ब्रिंग मी डैश बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कुड यू ब्रिंग मी डैश बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन, यहां पर आएगा दोज बुक्स। कैन यू ब्रिंग मी दोज बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन, क्या तुम मुझे वो बुक्स ला सकते हो जो मैंने गार्डन में मैं भूल गया था। यहां पर सेंटेंस में जो बुक्स हैं वो क्या है, आपका प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, एक वचन नहीं है, ये कैसा है, ये है यहां पर बहुवचन, एक से ज्यादा चीजें हैं, तो इसलिए यहां पर दोज आएगा, ठीक है ना, दोज वे पुस्तकें, और दीज का मतलब ये होता है, लेकिन ये नहीं, वो पुस्तकें या वे पुस्तकें, तो सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, चलिए जी इनडायरेक्ट नरेशन चूज कर लेंगे इस सेंटेंस की। मोली टेल्स हर यंगर सिस्टर स्टेला द अर्थ इज राउंड, देखिए व्हेन वी एक्सप्रेस दिस स्पीच इन आवर ओन वर्ड्स देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, जब हम अपने वर्डों को अपने आप ही, when we express this speech in our own word that is called indirect speech for the given sentence जो हमें दे रखा है। Molly tells her younger sister Stella that earth is round, हमने जो conjunction use किया है हम यहां पर कौन सा conjunction use करेंगे, that use करेंगे। हम अगर यहां पर use इसको change करेंगे तो कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे, हम कंजक्शन यूज करेंगे यहां पर दैट, ठीक है। जो वर्ब रहेगी, वर्ब की अगर बात कहें तो वर्ब रहेगी यहां पर सेम, क्यों रहेगी, क्योंकि जो स्टेटमेंट है अर्थ इज राउंड वो एक फैक्ट है और वो एक ट्रुथ है, इसलिए जब हम चेंज करेंगे तो जो वर्ब रहेगी वो सेम रहेगी। And we don't have to change the tense of facts and universal truth. तो हमें किसी भी तरीके के टेंस को भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर हो जाएगा मोली टेल्स हर यंगर सिस्टर स्टेला दैट द अर्थ इज राउंड, क्यों हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, बताइए ये चार आपको पार्ट दे रखे हैं, एक आपको अरेंज करना है इनको करेक्ट ऑर्डर में इन सेंटेंस को। सबसे पहले क्या आएगा बताइए, ये चार दे रखे हैं आपको, सबसे पहले आएगा आई ब्रॉट हिम, आई ब्रॉट हिम, होम इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स एंड नेम्ड हिम स्कूबी। एक लड़का था, वह कुत्ते को लेके आया था कार्ड बॉक्स में, यानी कि आपको पता है जब कुत्ते को लेके आते हैं तो टेम्परेरी उसका पहला घर एक कार्डबोर्ड का डब्बा होता है, तो वो साथ ले आते हैं। तो उसने कहा आई ब्रॉट हिम होम इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स एंड नेम्ड हिम स्कूबी, मैं उसको लेकर आया कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर और उसका नाम मैंने स्कूबी रख दिया।
तो सबसे पहले क्या होगा, आई ब्रॉट हिम, कि मैं उसको लेकर आया, किसको, कुत्ते की बात हो रही है यहां पर, होम इन ए कार्डबोर्ड, आई ब्रॉट हिम होम इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स एंड नेम्ड हिम स्कूबी। तो क्या होगा, पी यहां पर क्या होगा, सबसे पहले क्या था, क्यू था सबसे पहले, तो क्यू आर पी एस, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीइंग हर कंडीशन एट होम सी डैश लीव द कॉलेज बिफोर हिज सेमेस्टर, बताइए सेंटेंस में क्या आएगा। देखिए, वर्ड्स यूज्ड बिफोर वर्ब्स टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट देम एंड एक्सप्रेस हिज एबिलिटी, लाइक हुड हो गया, कैपेसिटी, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा, और कॉल्ड मॉडल्स ऑक्सिलरीज। एग्जाम्पल दें अगर आपको मॉडल एक्सिलरीज का, तो वो होते हैं कैन, माइट, मे, कुड। और जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस शोज पॉसिबिलिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड माइट, तो यहां पर माइट आएगा, यानी कि उसकी कंडीशन को देखकर घर पर लगता है कि वो कॉलेज छोड़ देगी सेमेस्टर से पहले, तो माइट आएगा यहां पर, लगता है, ऐसा हो भी सकता है, तो माइट आएगा, क्योंकि जो माइट वर्ड है वो पॉसिबिलिटी दिखाता है, क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। और ये जैसे वर्ड हुए आपकी अलग अलग, जो मैंने आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले की एग्जाम्पल आपको दिए, जैसे कैन, माइट, मे, कुड, ये क्या है, ये मॉडल एक्सिलरीज हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हैं ये, और ये वर्ब से पहले जो है लगाई जाती है, जैसे माइट लीव है, तो ये लीव से पहले लगाई गई है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक होगा। आज की क्लास कैसी लगी, मजा आया होगा, मुझे तो मजा आया, नई नई चीजें भी आपको पता लगी होंगी, ऐसे ही मैं इंप्रूव करता रहूंगा अपने आप को। आप भी दोस्त बैक टू स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, मॉक टेस्ट दें, एग्जाम्स को क्लियर करें। ये जो ग्रामर की वीडियो थी, ये थी वीडियो नंबर 3। दोस्त मैंने आपके लिए वीडियोस की झड़ी लगा दी है, मैं आपको लाइव क्लास तो देता ही हूं, उसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए कौन कौन सी क्लासेस जो हैं चला रखी हैं उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ईवीएस की, तो ईवीएस पेडागोजी की मैंने आपकी सीरीज चलाई है, और उसके अंदर मैंने 10 वीडियोस का जो सेट है वो कंप्लीट कर दिया है। तो जो हमारी ईवीएस पेडागोजी की सीरीज थी उसकी 10 वीडियोस हमारी कंप्लीट हो गई। उसके अलावा हमारी जो दूसरी सीरीज चल रही है वो चल रही है हिंदी पेडागोजी की। हिंदी पेडागोजी की हमने कितनी वीडियोस दी हैं, 2 वीडियोस। और तीसरी जो हमारी चल रही है वो चल रही थी हिंदी ग्रामर की। हिंदी ग्रामर की भी मेरे ख्याल से मैंने 3 वीडियोस दी हैं या 2 होंगी। जो चौथी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है हमारी इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर की ये 3rd वीडियो है। जो 5वीं सीरीज चल रही है वो चल रही है हमारी SSTs की, चैप्टर्स की, या फिर कहें टॉपिक्स की। तो SST के टॉपिक्स और चैप्टर्स की मैंने 3 वीडियो आपकी डाल दी है, 3 वीडियोस। उसके अलावा आपके SST के MCQ की सीरीज चल रही है, उसकी मैंने कितनी डाल दी है, उसकी मैंने 1 वीडियो डाली है अभी, ठीक है। ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। अब इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर की सीरीज तो है ही, तो आगे फ्यूचर में इंग्लिश पेडागोजी शुरू करूंगा। SST के चैप्टर और MCQ शुरू कर दिए, तो SST की पेडागोजी शुरू करूंगा। उसके अलावा मैं मैथ्स की पेडागोजी और कंटेंट की वीडियोस भी शुरू करूंगा। कंटेंट की तो मैंने 2-3 वीडियो पहले दे चुका हूं, उसको कंटिन्यू करके मैथ पेडागोजी की वीडियो शुरू कर दूंगा, और उसके साथ ईवीएस कंटेंट की वीडियोस भी आपके लिए चैप्टर वाइज शुरू कर दी जाएंगी। तो कोई भी ऐसी चीज रहती नहीं है जो मैं आप लोगों को करवा नहीं रहा हूं। एक ही टीचर होके मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको कहीं और जाना ना पड़े। तो बैक टू स्कूल को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। लाइक करें वीडियोस को, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और बैक टू स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करें। इन वीडियोस को जितना ज़्यादा देखोगे उतनी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए आएंगी। ये वीडियो नंबर 3 थी।
इंग्लिश ग्रामर की वीडियो नंबर 4 आपके लिए काफ़ी जल्दी आएगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों से मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते जरूर रहना है। टेक केयर एवरीवन।